तीखा और खट्टा बनेगा ना उतना ज्यादा ज्यादा गिर गई बट कोई ना गिर गई ज्यादा गिर गई ऐसी ऐसी देख रहा हूँ। एवरीवन वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखना, मजा आएगा आपको बहुत। और हुआ यूं, पहले स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ यूं कि मैं सपने देखा, मतलब सपना देखा कि मैं आम खा रहा हूँ। बचपन में गांव में हूँ मैं और आम खा रहा हूँ। हाँ, वो कैसे, वो सारी चीज़ें आज मैं करके दिखाऊंगा। फिर मैं गया हूँ दिन में और आम लेके आया हूँ। और किस तरह से हमारे यहाँ खाते हैं, एक्चुअली क्या होता, जब भी हम गांव जाते थे गर्मियों की छुट्टी में, तो हमें गांव में उस तरीके से, जिस तरीके से हमें बना के आम खिलाया जाता था, कच्चे आम, पके नहीं, कच्चे, उसके स्वाद ही अलग रहता था भैया, स्वाद ही अलग रहता था। तो पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। तो पहले मैं गिम्बल में ये सेल फोन सेट कर लेता हूँ, देन आपको फुल प्रोसेस दिखाता हूँ, है ना। तो बने रहना वीडियो पे, लास्ट तक देखना जरूर वीडियो, है ना। तो आओ आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते थे कच्चे आम से। हमारे यहाँ कहते हैं, गांव में कहते थे छुन्ना, छुन्ना। तो आज जानेंगे कि छुन्ना कैसे बनाते हैं। छुन्ना बनाने के लिए कच्चे आम ले लो पहले, मज़ा आ जाएगा भैया, मज़ा आ जाएगा। कच्चे आम धो लेना याद से, क्योंकि इसके अंदर जब आम तोड़ते हैं ना, तो यहाँ से एक लिक्विड बहता है। वो लिक्विड जब बहता है, अगर वो आपके हाथ हाथ में लग गया, तो आपका हाथ में ऐसा हो जाता है जैसे आप जल गए हो, है ना, या दाग पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर ले लेता हूँ, है ना। न्यूज़पेपर को यहाँ पे रख लेता हूँ, है ना। रीज़न क्या है ये आपको पता चलेगा क्यों मैं रख रहा हूँ। तो ये मैंने रख लिया है आम, है ना। ये मैंने ली है छिलनी, ठीक है, छिलनी, जिससे छील सकते हैं। गाँव में सूती से छीलते थे, अब सूती जी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको आओ छील लेते हैं, ठीक है। सूती क्या चीज़ है वो भी मैं आपको पहले बताता हूँ। सूती सीप की होती है, है ना, और ये बालू जहाँ नदी वदी होती है वहाँ पे मिलती है। सीप होती है ना, सीप को दो टुकड़े में जब करते हैं, दो टुकड़े मतलब बीच से करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर उसको घोटते हैं, घोटते मतलब उसको घिसते हैं, तो बीच में छेद हो जाता है। वो छेद जब होता है ना, तो उससे गांव में वो छिलनी का काम करता है। छिलनी मतलब सूती, जिसे आलू वगैरह छील सकते हो, आम हो गया, जितने भी फल होते हैं फल वल छील सकते हो, और सब्जियां जो छीलने के काम आता है, वो छिलनी करती है, मतलब छिलने वाला पूरा काम करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, और बहुत यूजफुल होती है। मोस्टली उसका यूज़ किया जाता है वो है आम छीलने के लिए, है ना। देखना भाई, प्रोसेस नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा। अब इस आम को छील लेना है, काटना नहीं है, छील लेना है, कैसे, ऐसे छीलना है, काटना नहीं है, है ना। सूती होता तो क्या मजा आता भाई, आए है, आए है। भाई खट्टापन का जो स्वाद आ रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है। ये चीज मैंने सपने में देखी भाई। देखो, आप शहर सिटी में रहते हो और खासकर अकेले रहते हो ना, तब आपको इन सब चीजों का टाइम नहीं लग पाता है। ये सारी चीज़ें मम्मियाँ ही आपको बना के दे सकती हैं, और घर पे जो आप राजसी करते हो ना, राजा बन के जो रहते हो ना, वो आप बाहर नहीं रह सकते अकेले में। हालांकि ये चीज़ हम रोज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आजकल के टाइम में इतना समय ही नहीं रह गया कि जोमेटो उबर आ गया है, खा लेता है आदमी। इन गुठलियों को गायों को दे देना, गायों को देना, इससे गाय लोग खा सकें। गुठली हो गई, गुठली और आम के
छील के, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या प्रोसेस करनी है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना। ये हो गए आम के अपने छिलके, है ना, आम का पूरा। अब इस पे आपको सरसों का तेल डालना है, है ना। अब आपको इसमें सरसों का तेल डालना है, बस, ठीक है। क्या आपने सरसों का तेल डाल दिया, फिर इसमें आपको क्या डालना है, याद रखिएगा, इस पे लाल मिर्च डालनी है। लाल मिर्च कौन सी वाली डालनी है आपको, ये भी मैं क्लियर करता हूँ, है ना। लाल मिर्च पीसी वाली नहीं डालना है ना, पीसी वाली डालना नहीं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास पीसी वाली अवेलेबल है, इसलिए मैं पीसी वाली डालने वाला हूँ। लेकिन आपको खड़ी मिर्च डालना है, लाल वाली जो सूखी रहती ना, खड़ी लाल मिर्च सूखी वाली, उसको क्या करना है, उसको भून लेना है किस में, गैस में हल्का भूनना है, जिससे थोड़ी थोड़ी काली हो जाए, है ना। उसको भून के फिर उसको तोड़ के फिर मिक्स करना है, है ना। अब इसको इसमें लाल मिर्च डाल दो, यूं यूं लाल मिर्च डाल दिया आपने, देखो लाल मिर्च जितने जितना तीखा और खट्टा बनेगा ना उतना ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा गिर गई बट कोई ना गिर गई, ज्यादा गिर गई। ओके, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी तीखी नहीं रहती है। देन इस पे काला नमक, काला नमक का जो स्वाद होता है ना, हालांकि बहुत सारे लोग काला नमक नहीं पसंद करते हैं, वाइट नमक ही पसंद करते हैं, बट काला नमक ज़्यादा स्वादिष्ट लाता है। आप इस पे थोड़ा सा सॉल्ट डालें, मेरे पास काला नमक था नहीं, मुझे काला नमक ज़्यादा पसंद है, बट इस पे आप सॉल्ट डाल लीजिए, है ना। ओके, सॉल्ट डालने के बाद ये आपका रेडी हो गया। थोड़ा सा भैया इसके सिनेमैटिक शॉट भी ले लेता हूँ, जिससे देखने में अच्छे लगे। यार वीडियो भी लेते नहीं बन रहा है, ऐसी जगह पे बैठा हूँ ना कि वीडियो भी लेते नहीं बन रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको कर लेना है मिक्स, ऐसी देख रहा हूँ, जब आप इसको मिक्स कर लिए, अब इसका स्वाद, इसमें भुना हुआ जो मिर्च रहता है ना वो ज़्यादा बेस्ट होता है, लाल मिर्च ये जो है उसके हिसाब से, है ना, भुना हुआ मिर्च आपको ज़्यादा पसंद आएगा, उसमें ज़्यादा स्वाद आता है। तो गैस में पहले लाल मिर्च लो 3-4 और उसको भून लेना, देन उसको बाद उसको ऊपर वाला जो डंडी है वो तोड़ के बाकी सबको ऐसे मसल के और उसको इसमें मिला लेना, तो और टेस्ट करते हैं कैसा है, है ना। माँ कसम, माँ कसम, बहुत बढ़िया। माँ कसम बहुत अच्छा बना है, सपना साकार हो गया मेरा। तो इस प्रोसेस से आप भी बना सकते हो छुन्ना, छुन्ना नहीं कहते, हर सिटी में इसको अलग अलग नाम देते हैं। अब इसको आप खा कैसे सकते हो ये भी मैं बताता हूँ। देखो, या तो रोटी ले लो आप, सिर्फ ओनली रोटी, रोटी के साथ अकेले खा सकते हो। दूसरी चीज़, चावल दाल के साथ आप खा सकते हो, सब्जी रोटी हर डिश के साथ खा सकते हो, बट जो मोस्टली यूज़ की जाती है खाने में वो है चावल दाल और ओनली रोटी या रोटी सब्जी, इसके साथ खाने में आनंद ही आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दो, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर ही दो, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, है ना। और अभी के लिए इतना ही, अगर मज़ा आया हो तो कमेंट करके बताओ, है ना, और कौन कौन सी प्रोसेस आपको जाननी है, ये मेरा बचपन का प्यार है। प्लीज़ अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहा हो और पेज को फॉलो कर लेना और वीडियो शेयर कर देना, दोस्तों को टैग करो अपने, पूरा खाया हूँ क्या।